नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिला मुख्यालय में स्थित यातायात थाना परिसर के बगल में लगा एक पेड़ अचानक गिर जाने से सड़क किनारे बैठे कई ग्रामीण क्षेत्र के सब्जी व्यवसायी आहत हो गए। वहीं पेड़ गिरने से विद्युत तार भी टूट गई, जिससे आसपास के व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। रास्ते में पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। ऐसा हादसे की जानकारी जैसे ही यातायात प्रभारी अखिल सिंह को लगी तो उन्होंने पेड़ की शाखाओं में दबे लोगों को बाहर निकलवाया। साथ ही नगर पालिका व विद्युत विभाग को जानकारी से अवगत कराते हुए मार्ग को सुगम कराया। अब गिरे हैं पेड़ के नीचे, सब्जी लगाए रहन तक पेड़ एक गिर गया था, बहुत चोट लग गया, बिजली का पूरा तार टूट गया है और बहुत चोट आ गया। जो अचानक टूट के हमारी 11,000 लाइन के ऊपर गिर गया है, उसके तीनों तार टूट गए थे। और अच्छी बात यह है कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तो 11,000 लाइन टूटने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था, शहर के अंदर टूटा था तो हम लोग उसको किसने काम। ये जब घटना हुई तो मैं थाने के अंदर ही बैठा हुआ था, तभी अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आई। हम लोग दौड़ के बाहर निकल कर देखे तो जो थाने की बाउंड्री के अंदर एक पेड़ लगा हुआ था वो अपने आप गिर गया हवा से, जैसे भी जो भी कारण रहा हो, तो वो पेड़ बीच रोड में गिर गया और गिरने से काफ़ी जाम लग गया था। जाम हम लोगों ने हटवा दिया है, नगर पालिका को हमने फ़ोन कर दिया है और नगर पालिका कर्मचारी अभी थोड़ी देर में आए। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।